सकते हैं, जैसे ही मैं इसको पुल करता हूँ ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। हाय गाइस, तो कैसे हैं सब लोग। तो आज हम फिर से वापस आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हम बनाएंगे ऑटोमेटिक ड्रॉअर लाइट। तो चलिए आप देख लेते हैं मैंने इसको बनाने के लिए किन किन कंपोनेंट का यूज़ किया है। तो इसको बनाने के लिए हमको एक PIR मॉड्यूल सेंसर चाहिए होगा, और इसके साथ हम लेंगे एक BC547 ट्रांजिस्टर, जो कि बेसिकली हम हर एक प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं। तो एक लेंगे हम LED जो कि 4 वोल्ट की होगी, और एक हम लेंगे 4 वोल्ट की बैटरी। चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। इसका पूरा सर्किट डायग्राम आपको वीडियो के एंड में ही मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी इसका मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसको डायरेक्ट देख सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने सर्किट को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें लाइट की टाइमिंग को सेट करना है, जिससे होगा ये कि जब हम इसको ट्रिगर करेंगे तो उसकी लाइट कितने टाइम तक आपको ऑन चाहिए उतने पर आपको सेट कर देना है। तो चलिए मैं इसे जल्दी से कर लेता हूँ, तो मिलते हैं इसकी टेस्टिंग पे। तो मैंने इसकी टाइमिंग को भी सेट कर लिया था। अब हमें जो डबल साइडेड टेप होती है उसके साथ इसको चिपका देना है। चलिए अब इसे टेस्ट कर देख लेते हैं कि वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखा आपने, ये अच्छे से वर्क कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें हमारे चैनल को, जिससे हमारी आप किसी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। अगर आपने कोई वीडियो की रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको उसका रिप्लाई दूंगा। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।